वेलकम फ्रेंड, मैं हेमंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेमंतोष द में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना आधार कार्ड बनवाया है या आपने सीएससी सेंटर में जाकर अपना आधार कार्ड को अप्लाई किया है या आपने अपने आधार कार्ड में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो आपका सब कुछ कर लेने के बाद अगर आप अपने स्टेटस को चेक करते हैं और आपका स्टेटस ओके होता है और फ्रेंड्स आपका अप्लाई किए हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया है या आपका 90 दिन हो चुका है और आपका आधार कार्ड अभी तक आपके घर पे नहीं आया है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। UIDAI ने एक नई ऑप्शन को जोड़ा है जिससे आप आसानी से अपने घर पर बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है UIDAI। लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने जो UIDAI का पोर्टल है कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। आपको इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको लिखा हुआ दिख रहा है वेलकम टू माय आधार। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है, फाइल ए कंप्लेन। तो आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है नेम, यहाँ पे आपका नाम को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इंटर स्टेट, आपका जो स्टेट है, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं आपका जितने सारे स्टेट है सारे स्टेट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्टेट है उसी स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है कंप्लेन फॉर। तो आप किसके लिए कंप्लेन करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके लिए आप यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, एक अदर और एक सेल्फ। तो आप खुद के लिए अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर कंप्लेन टाइप, का जो कंप्लेन है वो कौन से टाइप का है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है आधार लेटर PVC स्टेटस। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके सामने अब कैटेगरी को चूज करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है इंटर कैटेगरी टाइप। तो अब आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आधार PVC कार्ड नॉट रिसीव। अगर अभी तक आपका आधार PVC कार्ड रिसीव नहीं हुआ है तो आपको इस ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है आधार लेटर नॉट रिसीव आफ्टर 90 डेज ऑफ इनरोलमेंट। आपने अपना आधार कार्ड को अप्लाई किया है, इनरोलमेंट को अप्लाई कर दिया है और 90 दिन हो जाने के बाद भी अगर आपका आधार लेटर आपके पास नहीं आ रहा है या नहीं पहुंचा है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको करना, जब आपने आधार कार्ड को अप्लाई किया था उस समय आपको आधार सेंटर के द्वारा एक SRN नंबर को दिया गया था, वो SRN नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। SRN नंबर को फिल कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, इस बॉक्स पे आपका जो रीजन है कि आपका आधार कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया है वो रीजन आपको यहाँ पे टाइप कर देना है।
टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जा रहा है। ये कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे सही सही से फिल कर देना है। कैप्चा कोड में जैसा लिखा हुआ आपको उसी तरह कैप्चा कोड को फिल करना होगा। अगर आप कैप्चा कोड को गलत फिल करते हैं तो आपको दोबारा से कैप्चा कोड फिल करना होगा। फिल कर लेने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, ये नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो कंप्लेन है वो सबमिट हो जाएगा और आपको UIDAI की तरफ से एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। अब आपको उस रेफरेंस नंबर को करना क्या है, आपको वापस बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। तो अब आपको इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपका जो स्टेटस है उसको आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक कंप्लेन स्टेटस, आपको इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है एंटर SRN नंबर। तो आपने जो कंप्लेन को सबमिट किया था तो आपको एक SRN नंबर दिया गया था, वो SRN नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपका जो कंप्लेन का स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा और आपका जो आधार कार्ड है जो अभी तक नहीं आया है वो आपका आधार कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका 90 दिन हो जाने के बाद भी अगर आधार कार्ड नहीं आया है, घर नहीं पहुंचा है, तो आप इस तरह से कंप्लेन करके अपने आधार कार्ड को घर पे मंगवा सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।